हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पूरा दिन का मैं ब्लॉग करूंगी एंड अभी बज रहा है 9:30 सुबह का। सो मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ बिकॉज सुबह हमें जब रमज़ान के वक्त सुबह 4 बजे उठ के हमें खाना है और फिर मैंने नमाज पढ़ के मैं सो गई थी अराउंड 5:30 में। सो अभी उठी हूँ मैं। सो अभी मैं करूँगी कुछ काम, सो देखते हैं क्या काम करती हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ किचन, कुछ मतलब किचन को कुछ साफ सफाई करने, क्योंकि पूरा वीक में मुझे टाइम नहीं मिलते हैं किचन को साफ करने। सो अभी मैं थोड़ा सा साफ कर दूंगी एंड उसके बाद क्या करती हूँ वो देखते हैं।
सो गाइस, किचन तो साफ हो गया, अभी मैं करूंगी झाड़ू पोछा। सो लेट्स स्टार्ट। After doing so much of work, I'm so tired, so थोड़ा सा rest कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने बालों को spa करूँगी और कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। So guys, मेरा पास है ये spa का cream, ये scratch proof के तरफ से है और मैंने, क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पे lockdown है तो spa पे जाके करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने बहुत पहले ये ख़रीद के रखा था, तो अभी यूज़ आ रहा है क्योंकि मेरा बाल स्मूदनिंग किया है। सो स्मूदनिंग के बाद स्पा बहुत ज़रूरी होता है, सो हर वक्त स्पा पे जाने के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस क्रीम में मंथली ट्वाइस या तीन बार मैक्सिमम करती हूँ। एंड अभी मैं इसका ही जो है स्क्वाश प्रूफ का मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। जब मैं ये स्पा करती हूँ तो मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत कंडीशनर की टाइप ही काम करते हैं। एंड करने के बाद ये क्रीम लगा के मैं मसाज करती हूँ, उसके बाद एक टॉवल को, मैं सॉफ्ट टॉवल को एक गर्म पानी में भिगो के थोड़ा सा स्क्वीज करके सर पे अराउंड 10-15 मिनट्स रखती हूँ। तो दैट्स हाउ आई डू माई स्पा। सो अभी मैं हेयर को शैम्पू से वॉश करके आती हूँ, फिर मैं लगाऊँगी ये क्रीम। फिर कपड़ा वपड़ा धोया, उसके बाद मैं कुछ काम कर रही थी और अभी है दोपहर का नमाज के टाइम। सो अभी मैं नमाज पढ़ूंगी एंड फिर मैं जब बनाऊंगी इफ्तार, रेस्ट थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद बनाऊंगी इफ्तार, तब मैं शूट करूंगी वीडियो।
गाइज हमारा इफ्तार का सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी बहुत टाइम है खाने को, सो अभी मैं नमाज पढ़ूंगी। अभी मैं नेल कट कर रही थी, नेल बहुत बड़ा हो गया था, तो जब हम इफ्तार करेंगे तब मिलते हैं।